जी गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल है? आज ये फटाफट, लेट नहीं हूँ मैं ना, 1 मिनट भी नहीं हो सकती क्या? हद ही होती है मैम, आप लेट हो गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियांशु, डोली, अंजलि, संजना, राजेश, कृति, शिवम, शोएब, युवराज, मुकेश, अंजलि, रुतिमा, वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है? आपने लास्ट, जब मैंने ग्रामर की क्लास ली थी लास्ट मंडे को, तब आपने एडवर्ब का मैंने आपसे डिस्कस किया था बेसिक्स। अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि देखिए जब भी आप कुछ पढ़ें, क्योंकि आप कुछ पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फंक्शनल इंग्लिश को आप अभी नहीं जानते। अब ठीक है, एकेडमिक इंग्लिश तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, पर उस दौरान जो बेसिक्स पढ़ने चाहिए थे वो बेसिक्स हम पढ़ते नहीं हैं, और सीधा हम फंक्शनल इंग्लिश में करो एरर, करो इम्प्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक, ये ऐसे होता है, वैसे रट्टा मारो, ये रट्टा मारो, ये वाला रूल है, 2 नंबर रूल, 4 नंबर रूल, मुझसे याद नहीं हो रहे, मैं भूल जाता हूँ। तो ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अभी तक मैंने आपको वर्ब का बेसिक्स, मेरे आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, नाउन का बेसिक्स, एडवर्ब का बेसिक्स हमने अभी लास्ट वीक किया है, और आपने जब मुझे पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स लिखे, मैम एडजेक्टिव का बेसिक्स भी करा दीजिए इसी तरह जैसे एडवर्ब और नाउन का कराया है। ठीक है, अभी हम कोई चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, कोई लेना देना अभी एग्जाम से रिलेटेड है भी नहीं। भाई देखो, जब तक काउंटिंग नहीं सीखोगे मल्टीप्लिकेशन जोड़ का कोई मतलब नहीं। यही कहानी इंग्लिश में भी होती है। आप फंक्शनल इंग्लिश में आ जाए हम तो एरर निकालेंगे, एरर निकालोगे एडजेक्टिव का एरर आ गया, रटते रहो फिर तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, होना कुछ नहीं, क्योंकि आपको उसका बेसिक्स नहीं आता। मैं आपको सिखाऊंगी आज एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उसका पोजिशन होता है, किस किस टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, टाइप्स क्या हैं, क्या एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर मेरी बात? शुरू कर सकते हैं हम? एक बार मुझे बता दीजिए, एवरीथिंग ओके मीन्स आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या हम सेशन को शुरू कर सकते हैं, कोई इशू? यस मैम, एवरीथिंग ओके, थैंक यू मुकेश, घनश्याम, सुखप्रीत, विकास, थम्सअप को बटन प्रेस करके, लाइक का बटन प्रेस करके मुझे बता सकते हैं एवरीथिंग इज ओके एंड वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। आज मेरा बर्थडे है मैम जी, जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, झूठ तो नहीं बोला जी? गुड नाइट मैम, बच्चे गुड नाइट नहीं बोलते, जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे रात के बज रहे हों 11, पर आप मिल रहे हैं ना, किसी से 10 बजे मिल रहे हैं, 10:30 मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं, उस टाइम पे गुड नाइट नहीं बोलते। गुड नाइट तो बाय कहने वाला सेंस होता है, जब आप किसी से विदा लेते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो से गुड इवनिंग। ओके हाँ, तो करेक्ट करो। यस मैम, वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो खैर आपको अजीब तो लग रहा, एडजेक्टिव 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 बोलूं, मतलब आपको एडजेक्टिव की आदत तो नहीं है, एडजेक्टिव ठीक है, एडजेक्टिव पर बोलते नहीं है, डी साइलेंट रखिए, एडजेक्टिव अगर सही बोलना चाहते हैं तो एडजेक्टिव, बाकी तो बहुत सारे टीचर्स को भी देखती हूँ मानते नहीं है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव आपकी मर्जी है, खैर जैसा आप चाहें, चलो कोई बात नहीं। एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर एक वर्ड है एड, मींस ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है, एड होके बना है, किसके साथ एड होता है ये, या तो नाउन के साथ एड होगा नाउन के लिए, या फिर प्रोनाउन के लिए एड हो सकता है। कैसे होता है, क्या होता है, क्या ये एक वर्ड होता है, क्या ये दो वर्ड भी हो सकते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, पहचानेंगे कैसे, ये सब का डिस्कशन हम क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ये लो एक महारथी, ऑल गुड मॉर्निंग पे ही अभी तक, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका या तो एक वर्ड हो सकता है, या फिर बच्चे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, और किसको मॉडिफाई कर सकता है, नाउन को और प्रोनाउन को। अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैं बात करूं तो नाउन की बेसिक क्लास मैं ले चुकी हूं, आप मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके सिर्फ नाउन बाय सुमन सूर्यवंशी ऐसा भी डालेंगे तो आपको आ जाएगा, आप सिर्फ सर्चिंग में भी डाल दें, चैनल पे भी नहीं ऐसे ही डाल देंगे तो नाउन बाय सुमन सूर्यवंशी, तो आपको नाउन का बेसिक्स वहां पर मिल जाएगा।
नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन अगर एक लाइन में कहूं तो एक नेमिंग वर्ड है जिसका हम नाम रख सकते हैं, जिसका कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब बार बार तो नाउन नहीं यूज किया जा सकता, नाउन की जगह पर जिसका यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ही, शी, इट, दे, ये किसकी जगह पर यूज हो रहे हैं? मान लो कोई लड़का था राम, है ना, तो पहले हमने राम के बारे में, राम के लिए यूज कर लिया ही को, तो ही आपका प्रोनाउन है। चलो इतनी कहानी तो ठीक थी मैम नाउन और प्रोनाउन के लिए। अब बात आती है कि एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में इनको जो डिस्क्राइब करता है, या तो वो एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे। चलो जी समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए, मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। आप अगर इस सेंटेंस में, बहुत सिंपल सेंटेंस है यार बच्चों वाला, है ना, तो आप कहें, अगर आप इस सेंटेंस में ढूंढने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ही एक प्रोनाउन है, ओके, हमने इसको यहाँ पर मेन वर्ब है, ओके, हमने कहा बॉय, एक लड़का, ठीक है जी लड़का। अब लड़का कैसा? आपने कहा गुड, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का। तो ये जो सारे के सारे आपके वर्ड हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। पहचाने कैसे भाई? एकदम सिंपल रूल है, एकदम सिंपल, कि किसी भी नाउन के आगे उस वर्ड को रख के देख लीजिए, उस वर्ड को रख के देख लीजिए, और अगर वो सेंसिबल सा आंसर दे रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव है। कुछ भी रख के देख लीजिएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, वहां पे हम सब चीजों को फिट भी करके देखेंगे। देखिए कहानी बनती है कि एडजेक्टिव तो ठीक है मैम जो नाउन की विशेषता बता दे, भाई ऑब्वियसली विशेषण कहते हैं उसे हिंदी में, नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बता रहा है, अच्छा, बुरा, मोटा, छोटा, बुद्धिमान, खराब, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब हमने कहा कि अब इसको आइडेंटिफाई कर कैसे करें मैम, इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करें? हिंदी में तो हम समझ जाते हैं कि ये विशेषता है, ये विशेषण विशेषता बता रहा है, तो एक इसका विशेषण हुआ। अब मैंने कहा इंग्लिश में इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानने की जरूरत है भाई। जब तक किसी की जान पहचान नहीं है किसी से, आपकी कैसे काम चलेगा? दोस्ती हो पाएगी? एडजेक्टिव से अगर दोस्ती करना चाहते हो और चाहते हो एडजेक्टिव एटलीस्ट आपके एग्जाम में कभी भी गलत ना हो, तो इससे आपको दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी इससे जान पहचान करनी पड़ेगी। जान पहचान क्या होती है? जान पहचान लाइक ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगी इसके 10 हाथ होते हैं, 10 पांव होते हैं, बड़ा चौड़ा सा मुंह होता है, काले रंग का होता है, 8 आंखें होती हैं, तो इस टाइप की तो पहचान नहीं हो सकती है। अभी हम बात करते हैं कि क्या पहचान होती है, ठीक है? समझिएगा, एक फॉर्मूला आपके सामने है, ए और एन, जिसे आप आर्टिकल कहें, डिटर्मिनर में, खैर और भी वर्ड यूज किए जाते हैं, डिटर्मिनर बेसिकली बोले, डिटर्मिनर के अंदर ए एन द भी आ गया। तो हमने कहा ए एन यहाँ पे लिखा, आगे लिखिए कोई भी नाउन और बीच में उस वर्ड को फिल करके देखिए, और अगर आपको फिल करने के बाद ये महसूस हो कि हाँ ठीक लग रहा है मामला, है ना, तो आप कह दीजिएगा कि ये एडजेक्टिव है। ये आपको पहचान बताई मैंने छोटी सी, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा। देखिए ए और एन, कोई भी स्टूडेंट। अच्छा एक स्टूडेंट कैसा हो सकता है? मैं आपसे पूछूं, मान लो आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। कैसे स्टूडेंट हो? इंटेलिजेंट हो, होप सो, मे बी। हो सकता है कि आप गरीब हो, भर के देख लो यहां पर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो इंटेलिजेंट क्या है मैम? एडजेक्टिव है। मैंने कहा पुअर स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थी है, ये भी ठीक लग रहा है, पुअर स्टूडेंट, तो ये भी एडजेक्टिव है। मैंने कहा रिच, रिच स्टूडेंट, ये भी सही लग रहा है मैम, ठीक है। मैंने कहा काफी, कोई लड़की है और मैंने उसको बोला वो स्टूडेंट है, बड़ी ही ब्यूटीफुल स्टूडेंट है ना, ब्यूटीफुल लड़की है वो, तो हमने कहा ब्यूटीफुल स्टूडेंट, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। कोई लड़की को मैं कह रही थी वो लड़का बड़ा ही, वो जो स्टूडेंट है काफी हैंडसम है, रख के देखिए, मैंने कहा हैंडसम स्टूडेंट, आपने कहा ये भी ठीक है। तो आप एक छोटी सी बात समझिए, जब किसी नाउन से पहले आप उसे रख के देख लीजिएगा और आप समझें कि यहाँ पर मीनिंग ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ड जो आपके सामने लिखे हैं ये एडजेक्टिव हैं। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे लेते हैं, देखिए सरफेस, एक सरफेस है, मैंने कहा स्मूथ सरफेस, तो आप कहेंगे ठीक है चिकना। मैंने कहा रफ सरफेस, खुरदरा है, तो आप कहेंगे हाँ रफ सरफेस भी मैम ठीक है। मैंने कहा हार्ड सरफेस, काफी
काफी हार्ड है, छूने में काफी हार्ड लग रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ये भी ठीक लग रहा है। मैंने कहा इसका सरफेस बहुत सॉफ्ट है, तो लिखा सॉफ्ट सरफेस, तो ये हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो आपको एक पहचान मिली, क्या पहचान मिली कि नाउन से पहले रख के देख लो और महसूस करो क्या वो वर्ड सही सेंस दे रहा है। अगर वो सही सेंस दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड एडजेक्टिव है। मान लो कि हमने इनमें से कोई सा वर्ड उठा के देख लिया, मैंने कहा एक लेजी स्टूडेंट, गौर करो, लेजी स्टूडेंट क्या ये एडजेक्टिव है? ओके। मैंने कहा ऑनेस्ट स्टूडेंट, ईमानदार हो सकता है। मैंने कहा डिसऑनेस्ट स्टूडेंट, ये भी ठीक दे रहा है मैम। मैंने कहा पुअर स्टूडेंट, ये भी ठीक है। रिच स्टूडेंट, ये भी ठीक है। ब्लाइंड अंधा स्टूडेंट, ये भी ठीक है। इंटेलिजेंट, ये भी ठीक है। सेल्फिश लड़का, ये भी ठीक है। क्यूट लड़की या लड़का, ये भी ठीक है। ब्रेव लड़का, ये भी ठीक है। हार्ड वर्किंग लड़का, ये भी ठीक है। तो आपको महसूस हो रहा होगा कितने भी वर्ड लिख दूं और वो स्टूडेंट के बारे में कह सकते हैं, वो उस नाउन के बारे में कह सकते हैं। तो ये पहचान है कि जब भी आप किसी वर्ड को नाउन से पहले रख के देखें और वो सही सेंस दे रहा है, वो आपका एडजेक्टिव होगा। और इसका पोजीशन भी देख लें कि वो नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर? भाई ये वाली बात क्लियर होती है कि इसका जो पोजीशन है, इस नाउन से पहले रख के देख लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो भाई थम्स अप की संख्या रुक क्यों रही है? रितेश सिर्फ आपको ही नहीं आ रहा साउंड, मुझे लगता है बाकी तो सबको साउंड ठीक आ रहा है। रितेश के फोन में प्रॉब्लम है या साउंड वाकई में इशू है आज? नहीं, साउंड इशू नहीं है, मेरे पास ही अभी आवाज आ रही है, मेरी वीडियो चल रही है। ऑल ओके? ऑल ओके है, क्लियर? समझ में आ गई बात? पोजीशन क्या है कि हम नाउन से पहले इसको यूज करेंगे, क्लियर जी? रघुवंशी जी, प्रिया, शिवम, हार्डवर्क, लोटा ग्लास भी आ गए हैं। ये लोटा ग्लास वाले भाई साहब, आप काफी टाइम से आ रहे हैं ना, अच्छा, बहुत और इंटेलिजेंट लड़का है वो। आपको ऐसे फनी लगता होगा कि लोटा ग्लास नाम है उसका, लोटा ग्लास उसका नाम जरूर है, पर उसके आंसर आप खुद भी महसूस करिएगा अभी कि वो आंसर एकदम सही देता है। अच्छा लड़का है बहुत पढ़ने में। चलो समझते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर किसी को मेरे कंप्लीट इंग्लिश का बैच लेना है, कंप्लीट इंग्लिश जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, तो अभी भी बैच चल रहा है और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में 5 सितंबर के आसपास आ रहा है। अकेले वोकैबुलरी का भी, इंग्लिश ग्रामर का भी, और स्पोकन का तो परसों से शुरू है भाई। स्पोकन का लाइव बैच, इवनिंग बैच परसों से शुरू है, 1 सितंबर से, ठीक है? सिंपल सा प्रोसेस है, ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे सब मिल जाएगा। आगे की बात करती हूँ और वो बात है कि इसको लिखते कहाँ है, पोजीशन क्या है। एडजेक्टिव की पोजीशन ही तो खेल है। अगर एडजेक्टिव की पोजीशन आपको पता लग गई तो एरर कहाँ से निकलेंगे, एरर कहाँ से आपको समझ में आएगा कि पोजीशन तो पता नहीं, क्या पता कहाँ रख दें? भाई दो ही चीज़ें हैं, एडजेक्टिव की दो पोजीशन हो सकती है, या तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या फिर प्रेडिकेटिव। समझने की ज़रूरत नहीं है कि एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एट्रीब्यूटिव, रट्टा मत मारिएगा ऐसे कि याद कर लें कि मैम एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, नहीं। एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? प्रेडिकेट आपने सुना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से जो बाकी का पार्ट बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। पर ठीक है, हमें इतना ज़्यादा आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टीचर बनने की जरूरत नहीं है। आपको दो पोजीशन की मैं बात करूंगी। पहली पोजीशन के बारे में तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पहचानिएगा। पहला सेंटेंस है, ही इज अ टैलेंटेड प्रोग्रामर, दैट इज द लास्ट टोमेटो प्लांट, नमन वॉज एन, एन लगाइएगा, नमन वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। गौर करिए, इंटेलिजेंट, लार्ज, टैलेंटेड, किसके बारे में कह रहे हैं? प्रोग्रामर के बारे में कह रहा है। प्रोग्रामर कैसा है? टैलेंटेड है। टोमेटो प्लांट, टोमेटो प्लांट कैसा है? लार्ज है, बड़ा है। मैंने कहा लड़का कैसा है? आपने कहा इंटेलिजेंट है। नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो तीनों की तीनों यहां पर एडजेक्टिव है, शायद आप भी पहचान पा रहे होंगे। अब गौर करिएगा कि इसका प्लेस क्या है, डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन। क्या बिना नाउन के इस एडजेक्टिव की कोई वैल्यू है? मैंने कहा ही
इज अ टैलेंटेड तो अधूरा नहीं लग रहा आपको? ही इज अ टैलेंटेड, आपके मन में ऐसा नहीं आ रहा? टैलेंटेड मतलब व्हाट, कौन, क्या, किसकी बात कर रहे हैं, है ना? मैंने कहा ही इज अ गुड, आगे कुछ नहीं है, ही इज अ गुड. तो बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? ही इज अ गुड, काफी अजीब है मैम. ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड स्टूडेंट. कोई नाउन आप लगा दो अगर यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई नाउन लगा दो, यहाँ पर भी कोई नाउन लगा दो, तो इट विल बी ओके. आपको नहीं लग रहा ऐसा? क्लियर मेरी बात? किसी को कोई डाउट कि हाँ मैम ये पोजीशन हमें समझ में आ रही है? भाई अगर एडजेक्टिव तक की बात करें, मैं अगर इसको टोमेटो प्लांट को यहाँ से हटा दूँ, यार एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर मैं टमाटो प्लांट को यहाँ से हटा दूँ और इस टमाटो प्लांट को कर दूँ यहाँ से डिलीट, और आपके सामने सिर्फ लिख दूँ डैट इज अ लार्ज और फुल स्टॉप, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये सेंटेंस ठीक, भाषा ठीक सेंस दे रहा है? आप कहेंगे नहीं. अकेले एडजेक्टिव की कोई औकात नहीं होती. एडजेक्टिव गुड बैड वर्स कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ नाउन को जरूर बताइए. वो किसी नाउन के बारे में तो कहता होगा, किसी प्रोनाउन के बारे में तो कहता होगा. अगर वो कहता है तो ठीक है, अदरवाइज वो काफी अजीब लग रहा है. ये है आपकी पहली पोजीशन जिसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव. ध्यान से देखिएगा, अभी आपको टेस्ट दूंगी. और ऐसा भी मत सोचिए इससे क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन बनता है, आपके बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं. कई बार बहुत लंबे चौड़े रूल ना पढ़ने की बजाय जिन बच्चों का स्कूलिंग से बेसिक्स ठीक होता है ना, वो लोग ठीक कर जाते हैं एग्जाम में. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ उनका बेसिक स्ट्रोंग है ना. बेसिक्स अगर आप स्ट्रोंग करके चलेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा या रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे. पहला समझिएगा, मैंने आपको समझाया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की पोजीशन मैं क्या दोबारा रिपीट करूं या फिर आपको समझ में आ गई है? डेकन इंडिया, अफरोज जी, अनिल कुमार, सुमित्रा पांडा, आलिम एयरफोर्स, डेकन इंडिया, सबको क्लियर? अगर क्लियर है ना तो हर स्लाइड के बाद थम्स अप भेजा करो, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ यहाँ तक की बात क्लियर, मैं बढ़ सकती हूँ आगे. आगे बढ़ूँ? रितिमा जी, पूनम, जगन, थैंक यू सो मच. आगे आइएगा. एट्रीब्यूटिव, अब गलत किया ना एट्रीब्यूटिव, यहीं से चप्पल जूते फेंकने पड़ेंगे मुझे फिर. एट्रीब्यूटिव समझ में आ गया, नाउन से पहले जिसको यूज किया गया, जिस शब्द को जिसने क्वालिफाई किया नाउन को, उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं. ठीक है, अगला बात आती है प्रेडिकेटिव की. प्रेडिकेटिव कौन सा पार्ट होता है? पीछे का पार्ट होता है भैया ना, सब्जेक्ट को छोड़ के, वैसे तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं, पर ठीक है हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं. कि दूसरे टाइप की पोजिशन क्या हो सकती है? मैंने कहा द मैन इज ओल्ड, क्या मैम कैसी बात कर रहे हो? ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? अब हो सकता है जिसने पिछली उसमें टट्टा मार लिया है वो कहे कि गलत है. ओल्ड के बाद कुछ लगाओ. क्या लगाऊं भाई? द मैन इज ओल्ड मैन, ऐसे लगाऊं? द चिल्ड्रन आर हैप्पी चिल्ड्रन, ऐसे लगाऊं? कुछ अजीब नहीं लग रहा सेंटेंस? द मैन इज ओल्ड मैन लिखो मैम, द मैन इज ओल्ड पर्सन लिखो. अच्छा, द चिल्ड्रन आर हैप्पी वंस लिखो, हैप्पी चिल्ड्रन लिखो. ये तो बड़ी अजीब बात है, गलत नहीं है, ठीक है. अकेला एडजेक्टिव है, रट्टा मत मारो, है ना, कि अकेला एडजेक्टिव है गलत हो गया, इसके बाद तो नाउन का होना जरूरी है. ये केस है लिंकिंग वर्ब का. अगर आपने वर्ब का बेसिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वर्ब का बेसिक जरूर पढ़ लें. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब. अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ बेटा, अगर वैसे तो लिंकिंग वर्ब पे ही पूरी आपकी क्लास हो सकती है, फिर कभी लेंगे भी और आपकी लिंकिंग वर्ब पे क्लास. बेसिक्स जब हम पढ़ाते हैं तो गौर करिएगा, छोटे से फॉर्म में अगर मैं बताऊं, गौर करिए. इज, एम, आर, और भी हैं. इज एम आर वॉज वर, जब मेन वर्ब है. मैंने कहा इज एम आर वॉज वर, बी की कोई फॉर्म, ये सब लुक सेम, ये जब मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो इनके बाद आने वाला वर्ड क्या फॉर्म में काम कर रहा है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट. इतनी टिपिकल भाषा में नहीं समझ में आता तो और आसान भाषा में सुन लो. देखो, ये ओल्ड कौन है? ये बूढ़ा कौन है?
आप कहेंगी मैम ओल्ड मैन है। क्या मैन ही ओल्ड है? क्या मैन बराबर ओल्ड है? आप कहेंगे हाँ मैन ही ओल्ड है। तो ये ओल्ड क्या मैन की विशेषता नहीं लग रही तुम्हें? आदमी बूढ़ा है तो आदमी ही बूढ़ा है, बूढ़ा ही आदमी है। आगे देखिएगा चिल्ड्रन, मैंने कहा बच्चे, बच्चे क्या है? हैप्पी हैं। बराबर कर दूं, चिल्ड्रन हैप्पी है और हैप्पी कौन है? चिल्ड्रन। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और बीच में आने वाली जो वर्ब आपको दिखाई आ रही है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे वर्ब प्लस आईएनजी लेती। क्या इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नजर आती है आपको? बताना जरा देख के, इस सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ वर्ब कहाँ है। द मैन सब्जेक्ट है। आगे देखिए इज आया, ओल्ड, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है जो मैन के बारे में ही कह रहा है। वर्ब कहाँ है? वर्ब के लिए एक ही प्लेस बचा इज, और इज आपकी वर्ब है। और जब एक वर्ड में वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब होती है और कुछ नहीं होती। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो सबसे पहले मेरा वर्ब का बेसिक्स जरूर पढ़ लें, ठीक है? तो जब भी कोई लिंकिंग वर्ब आती है और आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों रखा गया? कॉम्प्लीमेंट क्या? पूरक, हिंदी में कहते ना पूरक। मैन ही ओल्ड है, ओल्ड ही मैन है, तो ये क्या है? पूरक। तो ऐसे टाइप के एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर बात इतनी समझ में आ गई तो बहुत शानदार, अमेजिंग गाइस। और अगर नहीं आई है तो फिर भी मुझे बता दो कि मैम समझ में नहीं आया, क्लियर? अरे बात क्लियर हुई, आदमी ही बूढ़ा है भाई, बच्चे ही हैप्पी हैं। क्या अगर मैं ये कर दूं, ऐसा नहीं है कि हैप्पी कोई और है, हैप्पी तुम हो, ये हैप्पी टीचर है, टीचर हैप्पी लग रहा है आपको, माँ बाप हैप्पी लग रहे हैं? नहीं, कौन है हैप्पी? जो सब्जेक्ट है। तो इसलिए कहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरीके से भी एडजेक्टिव को लिखा जा सकता है। इतने सारे जो थम्स अप आप भेज रहे हो, इतना सारा लाइक जो आप भेज रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो मैं आने वाले क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उन सबको आप ठीक कर देंगे। वादा, प्रॉमिस करो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव क्या होते हैं? भाई देखो बेसिक समझोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, सीधा रट्टा मारोगे तो बड़ी परेशानी है। कितना मारोगे यार? देखो अब मैंने कहा जिसको हम मैम प्रेडिकेटिव में लिख सकते हैं, क्या उसी फॉर्मेशन में एट्रीब्यूटिव लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, द शूज लुक एक्सपेंसिव। लुक आपकी लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर। तो क्या शूज ही एक्सपेंसिव है? पहले गौर करो, देखना पड़ेगा ना, क्या शूज ही एक्सपेंसिव है? कौन है महंगे? शूज है या तुम्हारा कूलर या तुम्हारी कुर्सी या तुम महंगे हो? नहीं, लिखा है एक्सपेंसिव। कौन है? शूज है। शूज आपका सब्जेक्ट है, एक्सपेंसिव आपका प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट से बाद में बनाया जाता है। और लुक आपकी लिंकिंग वर्ब है। मां हमने कहा शूज को मॉडिफाई कर रहा है एक्सपेंसिव, शूज ही महंगे हैं, तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ध्यान से सुन लो भाई, याद रखना पड़ेगा ना, एट्रीब्यूटिव ब्यूटी एडजेक्टिव। अगला देखिएगा, अगर मैं इसको लिख देती द एक्सपेंसिव शूज, तो यहां पर शूज क्या है? नाउन है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? एक्सपेंसिव। और इसकी पोजीशन क्या है? नाउन से पहले। तो ये बताइएगा मुझे कौन सा हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर मेरी बात? पीछे लिखा प्रेडिकेटिव, आगे लिखा एट्रीब्यूटिव। बात समझ में आई? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? प्रॉमिस, पक्का याद हो गया, समझ में आ गया? अब तो नहीं समझेंगे एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव पिछला पार्ट, पी से याद कर लो पिछला पार्ट, है ना, ए से याद कर लो अगला पार्ट। जब हम कहें एडजेक्टिव आगे है तो वो एट्रीब्यूटिव, ए जब पीछे है तो याद कर लो क्या? प्रेडिकेटिव। याद हो गया, समझ में आ गया? अगर आ गया तो बताओ मुझे कौन सा एडजेक्टिव, जल्दी बोलो। आई हैव टू एक्सपेंसिव कार्स, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। और जब आपको ये पता लग जाए कि एडजेक्टिव ये है तो दूसरा मुझे आंसर दो, क्या ये एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है। जिसने क्लास को पूरा देखा है, एक तो भाई मेरी क्लास शुरू से लेके ना एंड तक देखा करो, तभी समझ में आएगा कि दिमाग खुल जाएगा कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे वो गलत तरीका है। रूल नंबर वन, रूल नंबर टू का पीछा छोड़ दो, थोड़ा सा तमीज लाइए जिंदगी में और तमीज से पढ़िए। हाँ जी, एक्सपेंसिव, वेरी गुड, एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव है, बहुत बढ़िया। पर दूसरी बात मुझे ये भी बताइए बच्चे, एक्सपेंसिव आपका किस टाइप का एडजेक्टिव है?
कार्स की विशेषता बता रहा है, और कार है, कार से कहाँ लगा है? आगे। कोई बताएगा मुझे कैसे टाइप का है? एट्रीब्यूटिव। अच्छा जी, आगे लगा है ना कार से। ओके मैम, अगला बताओ, अगले में क्या है? जल्दी, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्री के लोग, मेहनती। मेरी वो कैब की क्लास देखा करो, मेहनती कौन है? मेहनती, दे आर मेहनती, दे आर इंडस्ट्रियस। किस टाइप का है, किस टाइप का एडजेक्टिव है? दे आर इंडस्ट्रियस, पीछे लगा है, तो कौन सा है? प्रेडिकेटिव। दिमाग को खोल के काम करो भाई। अगला बताओ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। द मैन टोल्ड अस डैट शी वॉज सो टैलेंटेड डैट शी कुड पास एनी एग्जाम। अभी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मैम हम गलती नहीं करेंगे एडजेक्टिव को पहचानने की। दूसरी बात, ये भी बता के छोड़ेंगे कि किस टाइप का एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव यूज है या फिर एट्रीब्यूटिव है। किसी ने बताया? नेक्स्ट में बताओ एडजेक्टिव, बताओ एडजेक्टिव। सोनू जी, दीपक, प्रिया, लोटा ग्लास, कंट्रोल, पूजा, गीता, सौरभ, प्रीत, अनुष्का, काजल, फटाफट ये बताओ है क्या? टैलेंटेड, वेरी गुड। अब ये बताओ टैलेंटेड तो है, टैलेंटेड में भी कौन सा है, एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है? सोच लो भाई, टैलेंटेड के बाद कोई नाउन नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। पर ये टैलेंटेड किसके बारे में कह रहा है? शी के बारे में कह रहा है। शी ही तो इंटेलिजेंट है, शी वॉज सो इंटेलिजेंट, ओ सॉरी टैलेंटेड, तो शी ही टैलेंटेड है ना? तो हमने कहा ये कौन सा यूज है, जब पीछे यूज किया गया हो तो हमने कहा प्रेडिकेटिव यूज है। नेक्स्ट में फिर बताओ, दे न्यू एन इंटेलिजेंट पर्सन, इस पर्सन के बारे में विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। तो गौर करिएगा, जब आगे आता है तो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव होता है। क्लियर? अब तो एरर भी बता दोगे, क्या कहते हो? आज के बाद जिंदगी में एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव में कंफ्यूज नहीं होंगे, पोजीशन मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं। आगे बढ़ती हूं, अपने आप को टेस्ट करिए और मुझे बताइए इसमें एरर, कोई गलती नजर आ रही है इन क्वेश्चंस में? एक बार पढ़ लो, 2 सेकंड लगेंगे भाई। मोहन इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, दिस बॉटल इज मोर एम्प्टी देन दैट वन, दिस टेबल इज राउंडर देन दिस बॉल। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, बचपन में ऐसे मारते थे रट्टा, टोल, टोलर, टोलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, याद है? ईआर लगा दो, ईएसटी लगा दो, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मारे है ना रट्टा बचपन में, मारा है ना? कोई एरर नहीं है ना, सब सही है, नो एरर, ठीक है भाई, नो एरर, इसमें नो एरर, इसमें भी नो एरर, नहीं एरर नहीं है ना, कोई गलती तो नहीं लग रही क्वेश्चन पढ़ के? मोहन इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, मोहन इस जॉब के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है। तो भैया है क्या दिक्कत है? होगा, बहुत सारे हैं, उनमें से मोहन सबसे बढ़िया है। हम कहेंगे दिस बोटल इज मोर एम्प्टी देन डैट वन, दूसरी बोटल से ये बोटल ज्यादा खाली है, सही है। दिस टेबल इज राउंडर देन दिस बॉल, इस बॉल से ये टेबल ज्यादा गोल है, तीनों गलत है ना? नो एरर, तीनों गलत है, तीनों गलत सेंटेंसेज हैं। अब मैं आपको सिखाती हूं कि जो आपके एडजेक्टिव हैं, बचपन से थोड़ा बाहर आइए। बचपन में आप पढ़ते थे डिग्री, देखिए जिस तरह वर्ब की होती ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म आप पढ़ते हैं, है ना? तो इसी तरह आपकी एडजेक्टिव में वर्ब की फॉर्म तो नहीं होती, डिग्री होती है। और ये भी आप समझेंगे कि डिग्री भी हर एक एडजेक्टिव की नहीं बनाई जा सकती, कुछ को बनाया जा सकता है ग्रेडेबल, जिसकी डिग्री बनाई जा सके और कुछ की नहीं बनाई जाती। समझिएगा, ग्रेडेबल क्या होते हैं जिनकी डिग्री बनाई जाए? वो गुस्सा है, वो और ज्यादा गुस्सा है, वो बुरा है, वो इससे बुरा है, मैंने कहा वो बड़ा है, इससे बड़ा है, कोल्ड, इससे ठंडा जगह है, कूल, उससे ज्यादा ठंडा, डीप, डीपर, पुअर, पुअर, तो ये सारे डिग्री में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक स्लाइड है, गौर करिए, 3 तरीके की डिग्री होती है भाई, कौन सी? पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट, सेकंड आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड आपकी सुपरलेटिव डिग्री।
तीनों के बारे में बताएंगे, दिमाग अपने आप खुल जाएगा। पहली आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अपने बचपन को याद करिए और आपने इस तरीके के बहुत सारे एडजेक्टिव डिग्री याद की होगी, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अरे बताओ मुझे यस और नो, ऐसा हुआ था आपके साथ, किया था? स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए जिस वर्ड को आप एक बार में बोल पाते हैं उनके साथ ई आर ई एस टी लगता है 99%, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर फिर भी याद कराने के लिए बोल रही हूँ। पर जिन वर्ड में आपको ब्रेक लेना पड़े, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल तो आप यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, है ना। आपने बोला हैंडसम तो हैंडसम तो एक ब्रेक आ रहा है, तो उसके आप में दिमाग में रखिएगा, मोर और मोस्ट को यूज़ किया जाता है। मैंने कहा इंटेलिजेंट, 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 तो इसे बोलेंगे मोर और मोस्ट के साथ। अब ऊपर के वर्ड पढ़िए, ओल्ड, स्मार्ट, कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा, क्लियर। किसी को ऐसे तो नहीं कह सकते हो आप ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल कैसे बोलते हैं, ब्यूटीफुल, तो देयर इज़ अ ब्रेक, ब्यूटीफुल, राइट। तो वहाँ पर मोर और मोस्ट को यूज़ किया जाता है। मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई टेंशन किसी को इसमें? ये तो सबने पढ़ा था। अब मैं आपको, आप कहेंगे मैम ये पढ़ना पड़ेगा क्या पॉजिटिव डिग्री? जी पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको ये आए तो आपको एरर भी आ जाए, यही है और कुछ भी नहीं, चैप्टर ही इस बारे में है। पहला समझते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ क्या होता है। भाई तीनों डिग्री समझनी पड़ेगी, पॉजिटिव भी कंपैरेटिव भी। ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट ना दिमाग को खोल के रखिएगा, आपके एरर अपने आप सोल्व हो जाएंगे। समझ जाओ कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, वो बचपन वाली नहीं होती जिसमें ई आर ई एस टी ना लगाओ, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ क्या है? भैया ये बंदा है अकेला, एक बंदा यहां पर अकेला है, वन, इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, सिंपल। इसके बारे में क्या बताई है? इसकी क्वालिटी, डिसक्वालिटी, इसके बारे में बताया है। कितना परसेंट? एक। कंपैरिजन है किसी से, किसी से तुलना की है? नहीं। और क्या करा है? सिर्फ उसके बारे में उसकी गुण अवगुण बताने की कोशिश करी है हमने। इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, ये अकेला लड़का है और कह रहा है मैं ए प्लस मार्क्स लेके आया हूं। ठीक है भाई, ले आया, कोई और है ही नहीं, अकेला ये तो ले आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, जैसे देखिएगा, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यह लड़का इंटेलिजेंट है। मैंने कहा दिस बॉय वॉज पुअर, यह लड़का गरीब था। मैंने कहा दिस बॉय इज ग्रेट, यह लड़का महान है, यह लड़का गरीब था, यह लड़का होशियार है। तो क्या किसी से तुलना है? क्या कोई और लड़का नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पर, अकेला लड़का है या कोई और भी लड़का है? आप कहेंगे कोई लड़का नहीं। जब कोई लड़का नहीं, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं, दूसरा मार्केट में ही नहीं है, आपकी अकेली दुकान है, तो तुलना किससे करोगे? किसी से नहीं। ऐसे सेंसेस में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। मैं आपका अभी टेस्ट रखूंगी, उसमें आपको बताना पड़ेगा। अभी समझा रही हूं कि पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से सुन लीजिए, पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन। अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे ना, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी कभी भी। नो कंपैरिजन, गौर करिएगा क्या कह रही हूँ, कंपैरिजन नहीं करना, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब अकेला ही बंदा है और अपने बारे में कुछ सिंपल सी उसके बारे में बात बतानी है, पॉजिटिव डिग्री। अब आगे आते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। नाम ही बता रहा है, कंपैरिजन मतलब की तुलना, कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा मतलब कि तुलना करनी पड़ेगी। अब तुलना किससे होगी मैम? एक से होगी, दो से होगी, तीन से होगी? भाई तीन चार से नहीं होगी, एक तो ये होगा और एक दूसरा होगा। मतलब दो चीजों की जब की जाती है, जब अकेला है तो पॉजिटिव, दो लोगों की, भाई तुलना तो दो ही लोगों की जाएगी ना, तीन लोगों की तुलना थोड़ा ना की जा सकती है। मैंने कहा इसकी तुलना, इसकी तुलना, दो लोगों की तुलना की गई, इसकी इससे तुलना की गई, तो हमने क्या यूज करा? कंपैरेटिव। जब हम एक से, हमने कहा दो लोग मिनिमम, यहाँ पर दो लोगों की अगर हमें करनी है आपस में, तो हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, दो लोग होने चाहिए, देख लेना।
दिस बॉय इज रिचर देन डैट बॉय, यह लड़का उस लड़के से क्या है ज्यादा पैसे वाला है। तो कौन सी डिग्री यूज करूं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करो मैम। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ई आर लगा दो, रिच की जगह क्या लगा दोगे? रिचर। अगला देखिएगा, दिस बॉय वॉज मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की सेकेंड डिग्री कैसे बनाई जाती है? कंपैरेटिव। मोर इंटेलिजेंट कैसे बनाई जाती है? मोर किससे? डैन डैट बॉय। इस लड़के के बारे में कह रहे हैं ये इससे ज्यादा अमीर है, ये इससे ज्यादा स्मार्ट है, ये इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो दोनों की हमने तुलना करी, हमने आपसे पूछा बताओ कौन सा ज्यादा अमीर है। तुमने कहा ये वाला ज्यादा अमीर है इससे, ये वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है इससे, ये वाला ज्यादा स्मार्ट है इससे। तो जब हम दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, तो कौन सी डिग्री को यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। मैंने कहा दिस बॉय इज स्मार्टर देन डैट बॉय, तो स्मार्ट के साथ कौन सी डिग्री यूज करनी पड़ी? ई आर। तो मैंने कहा स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंट, रिचर। गौर करिएगा, अकेला बंदा है, सिंगल, मैं खड़ी हूं, मेरी किसी से तुलना नहीं, तो मैं अकेली हूं, तो कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। अब मैं खड़ी हूँ, एक और टीचर ले आओ आप अभी साइड में, उसके साथ मेरी करने लग जाओ तुलना, ये अच्छा पढ़ाता है, मैम हमारी अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। तो ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। अब क्या बात आई? दो लोगों तक तो कहानी सिमट गई। अब बात आई कि ये दो से ज़्यादा के केस में क्या करना है। दो से ज़्यादा के केस में तीसरी डिग्री बनाई गई। दो से ज़्यादा में तीन, चार, पाँच, दस, बीस, पचास, सौ, दो सौ, हज़ार, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिग्री नहीं बना सकते थे, कहाँ तक काम चलता कि तीन के लिए अलग डिग्री बना देते भाई। एक, दो और दो के बाद सारे। गौर करिए, सुपरलेटिव डिग्री। पहले सेंटेंस को देखिएगा, माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन आर नेबरहुड, इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में मेरा घर सबसे बड़ा है। तो पूरी सोसाइटी में कितने घर हैं? दो तो है नहीं, फिर तो हम लार्जर कहते। कि अगर हम ये कहते मेरा घर मेरे दोस्त के घर से बड़ा है, तो क्या यूज करते भाई? लार्जर। मैंने कहा मेरे मोहल्ले का, मेरी सोसाइटी का सबसे बड़ा घर है मेरा, तो क्या डिग्री? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में क्या यूज करते हैं? द प्लस ई एस टी, द आर्टिकल को यूज किया जाता है। बाकी द ऐसे भी हो जाता है कि आप डेफिनेट को लिए यूज करें, ऐसे रट्टा नहीं मार सकते आप। द के बाद हमेशा एडजेक्टिव है तो आएगा ना यार, अगर एडजेक्टिव ही ना है तो। गौर करिए, माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन। अगला गौर करिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉय आई हैव एवर सीन। मैंने आज तक जितने भी बॉक्स देखे हैं उन सब में सबसे छोटा बॉक्स ये है। भाई तूने कितने बॉक्स देखे हैं? मैंने देखे होंगे 10, 20, 50, 100, 200, अब तक जितने देखे हैं उन सब में कंपैरिजन किया और ये सबसे छोटा मिला। तो क्या यूज करा? सुपरलेटिव डिग्री। क्या यूज करा बेटा? सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस और स्मॉल में लगा दिया ई एस टी। आगे करिए, मोहन इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। आगे पढ़िए, ये बता रहा है ना कहानी, इन द क्लास। तो क्लास में कितने बच्चे? दो से ज्यादा। क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट कौन है? मोहन है। तो कौन सी डिग्री यूज करी? सुपरलेटिव डिग्री। तीनों की बात समझ में आ गई? गौर करिएगा मेरी बात को, अकेला, पॉजिटिव, दो है, कंपैरेटिव, दो से ज्यादा के बीच में हम किसी चीज को बता रहे हैं ये ऐसी है, तो क्या यूज करा? सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको तीनों बात समझ में आ गई है तो दो मिनट में आपके डाउट लेने के लिए तैयार हूं। मैडम आप कहाँ से हैं? हैं अमेरिका से भाई। स्मार्टेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा ओम प्रकाश, सुपर सुपर है ना वर्ड, कैसे सुपर, सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है ना। नमस्कार सुमन मैम, मैं ठीक हूँ, कॉमर्स विद कुछ जो भी है। क्लियर? किसी को डाउट है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज सबको है ना, आलस मत करो, पढ़ाया तो मैंने सबको है ना। तो ये आधे थम्स अप भेजें और आधे ना भेजें, क्या विचार है? सुपर, अभी तक क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट किसी का? सच में मैम अमेरिका से? अरे अरे भाई बख्श दे, अमेरिका से नहीं हूँ, इंडिया से ही हूँ। तुम्हें मेरे दिखता नहीं, मेरे बाल काले हैं, रंग काला है, तो मैं कहाँ से अमेरिका से हो सकती हूँ, वहां पे लोग गोरे होते हैं। क्लियर है? चलो तीनों डिग्री यहां पर मैं आपको बता चुकी। अब आप मुझे फटाफट, अब आपकी बारी है, मुझे जल्दी से बना के बताइए। दिस बुक इज लॉन्ग, लंबी है। इसका पॉजिटिव डिग्री, ये कौन सी डिग्री है बोलो?
पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव बनाना, आप कहोगे लॉन्गर, जल्दी बनाओ, कॉपी उठा लो या कमेंट। देखो लॉन्ग लॉन्गर, सुपरलेटिव में क्या बनाओगे? लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगला बनाओ, दिस एयर द एयरपोर्ट इज फार, दूर है, अकेला ही एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो हमने कहा पॉजिटिव डिग्री फॉर, फार्दर, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फार्देस्ट। वैसे फार का एक सेकंड फॉर्म भी है, फर्दर, फर्देस्ट, आगे के सेंस में, ये दूर के सेंस में है, फार, फार्दर, फार्देस्ट। भाई मुझसे पहले बनाओ, माई मॉम इज अ गुड कुक, सबसे पहले पहचानो एडजेक्टिव कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, ये रहा ना, कुक की, कुक के बारे में बताया, कैसी कुक है, अच्छी कुक है, तो गुड, पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव डिग्री गुडर, कंपैरेटिव डिग्री गुडर होगी क्या बच्चे, गुड की होती है बेटर, ये तो यार सिंपल है, बेटर, और जब हम कहते हैं ये सबसे बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड की बनती है बैड, वर्स, वर्स्ट, सुना होगा। आगे देखो, हर हेयर इज शॉर्ट, एडजेक्टिव बताओ कौन सा है, अरे जल्दी बोलो, हर हेयर, उसके बाल कैसे हैं, शॉर्ट हैं, तो हमने कहा लिंकिंग वर्ब है, जो शॉर्ट है वही हेयर है, बाल ही तो छोटे हैं, शॉर्ट का बनाइएगा कंपैरेटिव डिग्री शॉर्टर, सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टेस्ट, जल्दी बनाओ यार, देखो मैंने कितने सारे बना दिए, मैं तुमसे जल्दी बना रही हूँ। राम हैज अ बिग बैग, बैग कैसा है, बड़ा, तो कंपैरेटिव डिग्री बिगर, सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। अगला बताओ जल्दी, द मून अपियर्स ब्राइट, मून अपियर कैसी वर्ब है आपकी, लिंकिंग वर्ब है, मैंने कहा मून ही कैसा है, ब्राइट, भाई चंद्रमा ही तो ब्राइट है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, जल्दी बनाओ यार, मेरा इंतजार मत करो। आगे देख लेते हैं, दिस इज अ क्लीन सिटी, सिटी के बारे में बता रहा है, क्लीन, तो पॉजिटिव डिग्री क्लीन, कंपैरेटिव डिग्री क्लीनर, सुपरलेटिव डिग्री क्लीनेस्ट। ही इज वेरी क्लेवर, क्लेवर, ही क्लेवर है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, तो गौर करिएगा कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर और सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरेस्ट। आगे करिए, किसी को भी अगर मेरा कंप्लीट इंग्लिश का बैच लेना है, 5 सितंबर से आ गया है, वोकैबुलरी, ग्रामर, अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल हैं, और स्पोकन इंग्लिश का बैच भाई परसों से ही शुरू है, गौर करिए। नेक्स्ट बनाओ, अब यार मैंने बहुत बना दिया, अब तुम बनाओ, अब मैंने बहुत सारे बना दिए, अब तो तुम बनाओ, इट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, देखती हूँ सबसे पहले कौन बनाता है, उसके घर पे मिठाई भेजी जाएगी, बहुत बढ़िया, परफेक्टर, परफेक्टेस्ट, वाह, पंचताल बजाई जाए, बहुत बढ़िया, मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट, ओके, मोर परफेक्ट से बनाएंगे मैम, परफेक्ट, ओके, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला बना दो ना, परफेक्ट तो हो गया तुम्हारा, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट तो मिल गया तुम्हें, इट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, कि ये जो एग्जाम्पल है ये एकदम परफेक्ट है ना, जो तुमने एग्जाम्पल दिया, इट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, ओके, तो एग्जाम्पल के बारे में बता रहा है, परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, पागल हो तुम, गधे कहेंगे, गलत बना रहे हो। अगला बना के बताओ, योर शर्ट वॉज वेरी यूनिक, तुम्हारी शर्ट बहुत यूनिक है, इसके अंदर बताना मुझे कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहचानने के लिए शर्ट ही तो यूनिक है, वोज आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है, तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, देखिए लिंकिंग वर्ब पे खुद एक पूरी की पूरा क्लास लिया जा सकता है, तो आज मैं लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ा रही हूँ, बस ऐसी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, यूनिक, यूनिक आपका क्या है, एडजेक्टिव, अब इसका बना दीजिए, परफेक्ट तो आपसे नहीं बनाया गया, रहने दो, यूनिक बना दो, यूनिक के तो बना दो, यूनिक को कैसे बनाओगे, यूनिकर, यूनिकेस्ट, बढ़िया, मोर यूनिक, मोस्ट अमेजिंग, गाइज अमेजिंग, इतने इंटेलिजेंट हो तुम, मन कर रहा है कि आगे की क्लास ना ही पढ़ाई जाए, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो आता है, बताओ तुम्हें, मोस्ट यूनिक, बहुत बढ़िया, प्रीति, बहुत बढ़िया, शांतनु, साक्षी, वेदांत, तुम सबको
बढ़िया नंबर आएंगे भाई तुम्हारे, है ना। चुपचाप ना बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें नहीं आता अभी कुछ, है ना। मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, गलत है। नहीं बनता भाई, नहीं बनता। कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनानी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी यूनिक की, ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो मत बनाना, बंद करो और सुन लो मेरी बात कान खोल के कि क्यों नहीं बनानी। ये क्या हो गया हमारे साथ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। देखो वापिस आते हैं। मैंने आपको कहा था हल्के में मत लो और तुमने हल्के में ले लिया। देखो, जब हमने कहा एडजेक्टिव की टाइप्स हैं, दो टाइप बताई। एक तो ग्रेडेबल, जो अभी हम करते आ रहे हैं, डिग्री दिए जा रहे हैं जिसको, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये तो हमने अभी पढ़ ली। एक और है, एग्जामिनर इतना सिंपल नहीं रहा कि अभी ये तुमसे ERESTी लगवाएगा। भैया अच्छी चीजें लगवाएगा। अच्छी चीजों में क्या है? नॉन ग्रेडेबल, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है जिनकी डिग्री नहीं बनती। रट्टा नहीं मरवाती हूँ, रट्टा मरवाना मेरा काम ही नहीं है। बताऊंगी क्यों, मुझे बताओ। जब आपने कह दिया परफेक्ट, इसका मतलब पता क्या होता है? सबसे बढ़िया। परफेक्ट, सबसे बढ़िया। और जब आप यार मोर कह रहे हो, मोर कह रहे हो, मोस्ट कह रहे हो, इसका मतलब बढ़िया, सबसे सबसे बढ़िया। ये तो सुपरफ्लोस नहीं हो गया? मैंने कहा ये टेबल उस टेबल से ज्यादा गोल है। भाई गोल तो गोल ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो पीले रंग की गोल है, वो हरे रंग की गोल है। भैया गोल तो गोल ही होता है ना। अब राउंड, राउंड, राउंडेस्ट क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता। आपने कहा किसी चीज को आप कह रहे हैं स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। मैंने कहा ये ज्यादा बड़ा, ये अच्छा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, नहीं ये ज्यादा स्क्वायर है। ज्यादा अच्छा क्या होता है? स्क्वायर तो स्क्वायर होता है भाई, चारों एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है। मोर स्क्वायर, मोस्ट स्क्वायर क्या होता है? गोल तो गोल होता है, उसकी कोई डिग्री बनेगी क्या? आपने कहा परफेक्ट है, सबसे बढ़िया है। अब उसमें मोर परफेक्ट कहाँ है? वो तो सुपर फ्लोस हो गया। बात समझ में आई? मैंने कहा फुल, भैया एक बोतल फुल है आपकी पानी की, है ना। अभी मेरे पास है नहीं, दो बोतल ले लो मान लो बाई चांस, एक बोतल फुल है। मैंने कहा ये बोतल दूसरी भी फुल है, तो मैंने कहा ये बोतल ज्यादा फुल है। भैया फुल तो फुल होती है, या तो बोलो कि वो खाली है और कि ये बोतल उससे ज्यादा खाली है, ये हम समझें। अब हमने कहा खाली, अब मैम खाली को कह ले उससे ज्यादा खाली है। भाई खाली मतलब खाली है, ज्यादा और कम खा क्या खाली होता है? कमरा खाली है, वो कमरा ज्यादा खाली है, ये कमरा ज्यादा खाली मतलब खाली होता है। ये गलत सेंटेंसेस हैं। फुल है, ये बोतल फुल है। भाई फुल तो फुल ही है, वो मोर फुल है, वो मोस्ट फुल है। फुल का मतलब फुल ही होता है। ये हमारे दिमाग की उपज है, ज्यादा भरी हुई, कम भरी हुई, कोई डिग्री नहीं है। गोल का मतलब गोल है, कोई डिग्री नहीं है। वर्ग, स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, कोई डिग्री नहीं है। परफेक्ट किसी को कह दिया तो परफेक्ट है। मैंने कहा बोतल भरी है तो भरी है, आधी आधी भादी नहीं मैंने बोला। फुल है मतलब फुल है ना, उसमें अब कोई पानी की जगह नहीं है, कोई सी बोतल ले लो आप। बात समझ में आ रही है? तेरा नाम ले ले मनोज, बात समझ ले पहले। देखिए मेन, मैंने कहा ये मेन दरवाजा है, तो जो मेन दरवाजा है ना भाई, वो मेन है, उन सब में मेन है। तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री। अब मोर मेन, मोस्ट मेन क्या होता है? मेन या तो मेन बोलो या फिर आप कुछ बोलो ही मत, मेन का मतलब भी मोर है। सारे दरवाजे में, इसीलिए उसको मेन कहा गया है क्योंकि वो उनसे ज्यादा ग्रैंड होगा, बड़ा होगा, तो इसलिए हमने मेन वर्ड को यूज करा। तो गौर करिएगा, परफेक्ट, यूनिक, यूनिक मतलब सबसे अलग। अब सबसे और ज्यादा ना अलग, ये क्या होता है? अलग मतलब अलग, इम्पॉसिबल है, कोई चीज ज्यादा इम्पॉसिबल है। हमने कहा मेरा SSC का एग्जाम निकालना ज्यादा इम्पॉसिबल है। भैया ज्यादा इम्पॉसिबल, मेरे CDS के निकालने से ज्यादा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है, उसका ज्यादा सही से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर सभी को? जी मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अगर इतनी जल्दी समझ में आ गई है तो फिर भी दोबारा बता देंगे। सुपर फ्लोस नहीं कर सकते आप। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, कोई कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। फुल मतलब फुल, एक्सट्रीम,
एक्सट्रीम ऐसा ही वर्ड है जो सुपरफ्लूस हो जाएगा, मोर एक्सट्रीम। भैया एक्सट्रीम का मतलब ये है कि कंपैरिजन में सबसे दूर, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट। तो हमने कहा एक्सट्रीम खुद में ही कोई डिग्री नहीं बनाता, तो इन्हें कहते हैं नॉन ग्रेडेबल, जिनकी ग्रेड ना बनाई जा सके, जिनकी डिग्री ना बनाई जा सके। बात समझ में आ गई ना? अब समझो, अब बताओ जो तुमने किया था क्या ठीक किया था? इट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। मैंने कहा मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 11वां एग्जाम्पल दिया, आप क्या कहेंगे? ये मोर परफेक्ट है, या तो ये परफेक्ट है या फिर ये नहीं है। हमने कहा नहीं है, तो इन 10 से ज्यादा ये परफेक्ट है, तो मोर परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट वर्ड ही इसलिए बना क्योंकि इन सब से अच्छा है। परफेक्ट का मतलब हुआ बेटर, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? बेटर, है ना। तो कोई जरूरत ही नहीं है, पहले से ही वो कंपैरेटिव डिग्री है। यूनिक मतलब सबसे अलग, तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जल्दी जल्दी से बना दीजिएगा, आज का टेस्ट लीजिए अपना फटाफट। क्या समझे आप? डॉग्स आर, गौर करिए कैसे आप बनाएंगे, बताइए। कौन सी डिग्री यूज करूं यहाँ पर? पॉजिटिव डिग्री यूज करूं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करूं, या सुपरलेटिव डिग्री यूज करूं? जल्दी बताइए कभी। 5 मिनट में करना है ये वाला सेशन आपको। डॉग्स आर, डॉग्स आर देन रैबिट्स, कंपैरिजन किया है। किसका कंपैरिजन है? डॉग्स का कंपैरिजन है रैबिट से, देन है ना, तो खालिस्तान भरो, क्या आएगा? खालिस्तान आएगा मोर, कौन सी डिग्री भरनी पड़ेगी? रैबिट की और डॉग की तुलना हो रही है, कौन सी डिग्री भरनी पड़ेगी? कंपैरेटिव, तो लिखिए मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट भरिए, क्या भरेंगे? दे सर्व्ड अ फूड, कोई कंपैरिजन है? गौर करिए कोई कंपैरिजन है, किसी टाइप का कंपैरिजन नजर आ रहा है तुम्हें? दे सर्व्ड अ फूड, कोई कंपैरिजन नहीं, सिंपल इंफॉर्मेशन, यस। तो कौन सी डिग्री भरूं फाइन की? सिंपल डिग्री भरिए मैम, कौन सी? पॉजिटिव डिग्री भर दी, फाइन। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर इज द मंथ ऑफ द ईयर इन माय कंट्री, मेरी कंट्री में, मेरी कंट्री में जितने भी महीने हैं उन सब में द क्या है? दिसंबर सबसे ज्यादा क्या है? ठंडा है। जब कंपैरिजन दो नहीं ज्यादा से हो, मंथ तो कई होंगे या एक दो ही मंथ हैं, ईयर में मंथ तो 11 और बच गए, तो 11 से कंपैरिजन है तो क्या यूज करूं? कोल्डेस्ट, क्या यूज करूं? कोल्डेस्ट। नेक्स्ट देखिए, माय कंप्यूटर इज फिल इन द ब्लैंक देन लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर देन, देन को तो आप यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। मैंने कहा लैपटॉप से मेरा कंप्यूटर ज्यादा पुराना है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप की कंपैरिजन, दो चीजों की कंपैरिजन क्या भरेंगे? ओल्डर, ओल्डर का ओल्डर ही रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट देखिए, जॉन इज अ वेरी फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट, कोई कंपैरिजन है? नो मैम, कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधा का सीधा क्या है? इंफॉर्मेशन है, तो क्या भरे? ओनली इंटेलिजेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पर्सन इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में सबसे लंबा पर्सन कौन है? तुम्हारी फैमिली में, है ना, पूरी फैमिली का कंपैरिजन है, तो कौन सी डिग्री यूज करूं? सुपरलेटिव, क्या यूज करूंगी? टॉलेस्ट। कंपैरिजन किससे भाई? फैमिली में, है ना। आगे बढ़ो, रशिया इज लार्ज, लार्जर या लार्जेस्ट देन द यूके, यूके, दो लोगों का कंपैरिजन क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, क्या यूज करूं? लार्जर। भरो जल्दी जल्दी भाई, माय हिंदी क्लास इज देन माय इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास का हिंदी क्लास से कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री क्या यूज करूं? मोर बोरिंग, मोर बोरिंग कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री। आगे यूज करिए, इजिप्ट इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इजिप्ट क्या है, कैसी कंट्री है? सारी वर्ल्ड से कंपैरिजन किया है, तो क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट। आगे भरिए, माय मदर इज द कुक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मेरी माँ, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव, कंपैरेटिव,
या सुपरलेटिव पूरे वर्ड से तुलना है, दो से ज्यादा तुलना में क्या यूज करते हैं? बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, वीर वॉज अ लीडर, सिंपल है, सिंपल है तो कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। वीर वॉज अ ग्रेट लीडर, हिज कार इज मोर सुपीरियर टू माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब ये आप बता दीजिए यार, मैंने तो बहुत सारे बता दिए, अब आपकी बारी। हिज कार इज मोर सुपीरियर टू माइन, इसमें एरर बताएंगे कहीं ना कहीं, गौर से देख लो, कंपैरिजन देख लो। हिज कार, उसकी कार, मेरी कार से ज्यादा बढ़िया है। माइन, माइन का मतलब माई कार। इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर तरीके से उसकी कार मेरी कार से बढ़िया है। क्या कोई गलती है? कोई गलती नजर आ रही है? नहीं आ रही, गलती तो है भाई। जो सुपीरियर है उसका मतलब ही है मोर गुड। सुपीरियर वर्ड क्या है? सुपीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, जो अपने साथ देन को यूज ही नहीं होने देती। कंपैरिजन वो खुद ही कंपैरिजन है यार। सुपीरियर, मैंने कहा तू मुझसे सुपीरियर है, तो भाई पहले ही कंपैरिजन हो गया। सुपीरियर लगा लूं, इनफीरियर लगा लूं, तू मुझसे खराब है तो इनफीरियर है, मोर इनफीरियर, मोस्ट इनफीरियर क्या होता है? हमने कहा सुपीरियर का मतलब ही कंपैरिजन है, तो इसके साथ मोर को यूज मत करिए। इसीलिए ये अपने साथ देन को यूज नहीं करता। किसको यूज करता है? टू को यूज करता है। बात मेरी समझ में आई? सुपीरियर का मतलब ही क्या होता है? मोर गुड। ये यही तो सेंटेंस है, हिज कार इज मोर बेटर, सॉरी बेटर देन माइन। उसकी कार मेरी कार से ज्यादा बढ़िया है, बेटर है ना? जब हमने कहा बेटर है तो बेटर को ही रिप्लेस करके हमने लगा दिया, बेटर देन को ही रिप्लेस करके हमने लगा दिया सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ही होता है कि कंपैरिजन करके ही तो बताओगे किसी को उससे ज्यादा बढ़िया, सुपीरियर तभी तो बताओगे। तो इसके साथ कभी भी मोर का यूज नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस में बताएंगे ही इज मोर जूनियर टू राम। भैया वो है बीए फर्स्ट ईयर में और दूसरा है बीए सेकंड ईयर में, ठीक है। इसका नाम है राम, इसका नाम है मोहन। तो राम क्या है? जूनियर है इसका। अब ये मोर जूनियर मोस्ट जूनियर क्या होता है यार? जूनियर तो जूनियर होता है, पहले ही कंपैरिजन है तभी तो जूनियर वर्ड निकल के आया है। जूनियर वर्ड कहां से निकला? जूनियर वर्ड तभी निकला जब दो लोगों में कंपैरिजन हुआ। तो जब पहले ही कंपैरिजन हो चुका है तो बार बार मोर को यूज नहीं करना, इसलिए जूनियर के साथ रट्टा मत मारना। देन नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जूनियर अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरिजन तभी तो करोगे भाई, कंपैरिजन तभी तो बनेगा जब कंपैरिजन करने की स्थिति हो। पहले ही कंपैरिजन कर दिया, उसके साथ क्यों मोर लगा रहे हो? वर्ड ही ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, हिज कार इज मोर सुपीरियर, फिर से सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, आई ओ आर लगाए, इन वर्ड्स के साथ क्या नहीं आता? मोर वर्ड, डिग्री नहीं बनती। योर हस्बैंड इज एज टॉलेस्ट एज हर्स। अब देखिएगा दो लोग हैं, ये तुम्हारा पति, ये हर्स उसका पति, दोनों पतियों की कंपैरिजन है, कौन सी डिग्री यूज करूंगी? कौन सी डिग्री यूज करूं बताओ भाई, कौन सी डिग्री यूज करें? मोर नहीं रहेगा मैम, टॉलर यूज करूं। योर हस्बैंड इज एज टॉलर एज हर्स। हर्स का मतलब होता है बेटा हर हस्बैंड। तुम्हारा पति मेरे पत्नी, तुम्हारा पति उसके पति से लंबा है, ऐसा कुछ। टॉलर यूज करूं मैम, ठीक है, कंपैरिजन है तो टॉलेस्ट को किस में चेंज कर दें? टॉलर में चेंज कर दें, है ना? फिर से तुम्हारे लिए पंचताल बजाई जाए, बजा दी मैंने, गलत बोल रहे हो, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे,
भाई कंपैरिजन क्या होता है? तुम इतना तुम वर्ड को ध्यान से सुनते नहीं हो, इसीलिए बार बार कह रही थी, जब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा हो, है ना। अब इसने क्या कहा? इसने कहा उस में तुम्हारा पति मेरे पति के बराबर लंबा है या ज्यादा लंबा है या फिर सबसे ज्यादा। आपने कहा दो ही लोग हैं मैम, तो टॉलर लगाऊंगा। गौर करिए, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है। या तो भैया ए बड़ा हो या फिर बी बड़ा हो तो कंपैरिजन करते अच्छे लगे, लेकिन अगर ए बराबर है बी के, मैथ से ही समझ लो यार, फिर कैसा कंपैरिजन भाई? जब तुम्हारा पति उसके पति के, एज मतलब जितना तुम्हारा उतना ही मेरा, एज एज सेम सेम, कि तुम्हारा पति मेरे पति के एज सिमिलर है, तो सिमिलर है मतलब कि बराबर है, बराबर है तो कौन सी डिग्री? वैसे बहुत सारे टीचर्स तुम्हारी किताबें एंड ऑल ये आप पढ़ते हो, एज एज के बीच में अगर आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना यार, पता क्या दिखेगा? सो एज का एक पेयर है, एज एज का एक पेयर है, उसके बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रहता है। मारो रट्टा, ऐसा आप कर सकते हैं, पर रट्टे से काम कितना चलाओगे? कितना चलेगा यार, नहीं चलता है। गौर करो भैया, कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बराबर बराबर बता रहे हैं, एज जितना ये उतना ये, तो जब कोई ए बराबर है बी के तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। दो बंदे होने का मतलब ये नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तभी तो आएगी जब कंपैरिजन में या तो उसका पति ही बड़ा होता है, लंबा होता है यार, या उसका ही होता। अब हम कह रहे हैं एज जितना वो उतना वो, तो क्या यूज करें? एज टोल एज। गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके रूल का फॉर्मेशन होता है। एज एज और सो एज का जो पेयर है उनके बीच में आने वाला एडजेक्टिव कभी भी कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है। बात समझ में आई? एक फ्री बैच ले आओ इंग्लिश ग्रामर का, भाई फ्री है, 1500 रुपये फीस है। 1500 क्या फीस होती है? ज़्यादा फीस होती है। ऑनलाइन जो डिजिटल क्रांति आई है उसको अगर मैं ये बात करूं कि चीप एजुकेशन चीप हो गई भाई, कभी भी आप कहीं पे भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं, 10 10 15 15 20 20 हज़ार रुपये आप पे करते हैं, ऑनलाइन में फीस कितनी रिड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी। और आप अगर कहें कि मैं फ्री में लाई है ग्रामर का बैच, फ्री में मुझसे एक दिन हो पाता है, मींस वीक में मैं 3 क्लास लेती हूँ, एक ग्रामर की, एक वोकैब की, एक कॉम्प्रिहेंशन उसकी स्पोकन की, मुझसे वीक में एक ही क्लास ली जाती है ग्रामर की, वो फ्री है यार। इसके लिए तो शायद तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा होगा यूट्यूब, है ना, तो ये फ्री है, ये मैं इतना ही लेके आ सकती हूँ। ओके हाँ, अगर डेली वाइज तो भाई मेरे पेड बैच ही चलते हैं, वो मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भी हैं, आपके लिए एक लेके आती हूँ जितना मुझसे हो पाए उतना, पर जो पेड स्टूडेंट है भाई ऑब्वियसली यार उनकी जिम्मेवारी ऑब्वियसली ज़्यादा है इसमें। मैं बेशक मुझे कोई गलत कहे, कुछ भी कहे, आप लोग कुछ भी कहें, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे पेड स्टूडेंट है ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने मेरे ऊपर ली है, उनका कुछ भी नहीं छूट सकता ना मुझे, मतलब उनके में तो ज़रा सी भी केयरलेसिंग नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। इसलिए जो आपका क्वेश्चन था पूरा यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया? दोबारा बताऊं भाई, जब कंपैरिजन है ही नहीं तो कैसे डिग्री यूज कर लोगे? चलो ये सेंटेंस बताओ मुझे, ठीक है या गलत है? रमेश और यहाँ सुरेश, दो तो लोग हैं मैम, आपने कहा था कंपैरेटिव डिग्री तब यूज करना जब दो लोग हो। भाई दो लोगों, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था दो लोगों की तुलना हो, पर यहाँ तुलना क्या हो रही है? रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश, तो रमेश इतना हैंडसम है जितना सुरेश, बराबर है क्या? हाँ जी मैम बराबर है, तो कंपैरिजन होगा? नहीं। हैंडसम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही इज नॉट सो लेजी एज पवन, वह पवन के जितना लेजी नहीं है, तो हमने कहा जितना पवन उतना वो लेजी नहीं है, बराबर है। मैंने मोर मोस्ट को यूज नहीं करा, हमने कहा बराबर, तो फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री ठीक है। यहां से ध्यान रखिएगा मेरी बात, सो एज का पेयर, एज का पेयर कंपैरिजन नहीं दिखाता, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। कौन सा? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? और आगे बढ़ते हैं, आगे बताइएगा,
ये आपके एग्जाम में आए हुए एरर है भाई। आगे बताओ, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्राइटर एज हिज सन। जल्दी से एरर निकाल के बताओ मुझे। आपसे इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं भी इंग्लिश ही सिखा रही हूं। पॉजिटिव डिग्री, जी 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 स्वप्नदिन सोनू, वेरी गुड, सही है मैम, करेक्ट है ये। एरर कहाँ है, कुछ गलती है क्या इसमें? एरर है, क्या एरर है? एज ब्राइट एज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्राइट एज, ब्राइटर नहीं, एज एज कंपैरिजन नहीं है, बराबरी की बात है, बराबरी की बात है तो क्या यूज करेंगे, ब्राइट। नीचे बताइए दूसरे सेंटेंस में, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड द मोस्ट सुपीरियर टू यू, सो स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विद यू विद हिम। बताइए कोई एरर है क्या, ध्यान से देख लीजिएगा। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप देखा करो यार, बड़े एरर में। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है मैम, स्टूडेंट के लिए इंटेलिजेंट ही आपका प्रोनाउन, ठीक है क्लियर। एंड चलो आगे, द मोस्ट सुपीरियर, आ गई कहानी देखो समझ में, सुपीरियर के साथ टू आता है, सुपीरियर अपने आप में ही सबसे सुपीरियर है यार, उसके साथ डिग्री थोड़ा ना लगाओगे, तो इस द मोस्ट को हटाओ यहाँ से। स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विद हिम, क्लियर। मच तो पॉजिटिव ही है, मच को मत बिगाड़ देना, मच ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव का बेसिक्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, दो तरीके से यूज होता है, नाउन से पहले यूज हो सकता है, क्या बाद में भी यूज हो सकता है, अकेला भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, रट्टाफिकेशन मत किया करो। एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दोनों यूज हमने सीखे, फिर हमने सीखा एडजेक्टिव के दो टाइप हैं। हमेशा हर किसी की डिग्री नहीं बनाई जा सकती भाई, जिसकी बनाई जा सकती है उसी की तो बनाएंगे। डिग्री तीन तरीके की होती है, पॉजिटिव अकेला आदमी, कंपैरेटिव दो लोगों की तुलना हो, पर तुलना में ध्यान रखिएगा या तो वो बड़ा हो या छोटा हो, बराबर होगा तो कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं। सुपरलेटिव डिग्री दो से ज़्यादा तो हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है? नो मैम, किसकी नहीं बनती, जो अपने आप में ही, मैंने कहा यूनिक है, मैंने कहा गोल है, तो मोर गोल मोस्ट गोल क्या होता है, गोल है तो गोल है भाई। मैंने कहा पॉसिबल है, पॉसिबल है तो पॉसिबल है, मोर पॉसिबल क्या होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, यूनिक है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि इसके अंदर डिग्री का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, ये वाले एरर आपके एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा हमने आपको आज ही की क्लास में सिखाया कि पॉजिटिव डिग्री, सो एज एज सो, ये वाले जो पेयर हैं हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव डिग्री को अपनाएंगे। इसके अलावा हमने ये भी सीखा, आपका वर्ड है जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इन्फीरियर, इनके साथ हमेशा देन नहीं टू लगता है, क्योंकि ये अपने आप में कंपैरिजन है, ये मोर सुपीरियर नहीं कहलवाना चाहते। तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा है, बेसिक्स यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर जो कि आपको बहुत ईजी लगेगा, ओके। अभी हम आपको, आप हमें विदा दीजिए, कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। फीस के लिए कोई कूपन है क्या? नहीं जी, कोई कूपन नहीं है, फीस ज़्यादा नहीं है, जितना मैं एफर्ट डालती हूँ मेरे एफर्ट के कंपैरिजन में वो कम है। मेरी जो मेरी कमिटमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उनको पढ़ाने की और दिल से पढ़ाने की, उनके लिए मेहनत करने की, उसके अकॉर्डिंग ये फीस कुछ भी नहीं है। तो ये एक चक्र है पृथ्वी का, आप भी जो पढ़ रहे हैं आप ऐसा करिएगा, कभी भी जीवन में कोई जॉब करें और महीने वाले दिन जब सैलरी मिले तो ये कह दीजिएगा, नहीं 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 सर, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ सोशल सर्विस के लिए। पॉसिबल नहीं है, बल्कि यूट्यूब पे तो मैं बहुत सारे टीचर्स को कहती हूँ, मैं भी हूँ, जो सोशल सर्विस है हम जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा पा रहे हैं वो फ्री तो है ना, बाकी आप लोग नहीं कर पाएंगे। जब आप कमाने लग जाएंगे तो जब आपको सैलरी मिले तो उस दिन एक महीने की सैलरी सेक्रीफाइस करके देखना कि नहीं नहीं इस महीने रहने देता हूँ, मैं तो सोशल सर्विस कर रहा था। पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। तो प्रैक्टिकल बनो लाइफ में,
और रही बात पैसे की, तो हर एक के हाथ में मोबाइल जरूर 10-10, 15-15 हज़ार का होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए फ्री डिस्काउंट एंड ऑल ये। चलो कोई बात नहीं, ग्रामर की क्लास में बहुत मज़ा आता है, वोकैबलरी की क्लास में भी मज़ा आता है, स्पोकन वाले कहते हैं हमें ज़्यादा मज़ा आता है, किसको ज़्यादा मज़ा आता है, क्लियर हो जाओ तुम पहले। टाटा बाय, हे जाते हुए मनोज गुड नाइट कहते हैं, उफो इसको मैंने आइए कह दिया, आते हुए गुड इवनिंग कहना है, तो उसने सोचा कि अब जाते हुए भी 10 बज रहे हैं तो मैं गुड इवनिंग ही कह दूँ। बेटा जाते हुए गुड नाइट कहते हैं, आते हुए गुड इवनिंग कहते हैं, बाय बाय मैम जी आपके चरण कमल। ओफो नहीं यार, चरण वर्ण नहीं, वो थोड़ी मैं बूढ़ी हो जाऊं फिर, अभी नहीं यार। एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए क्या क्वेश्चन है। एडजेक्टिव की तरह यूज, पता नहीं क्या कह रहा है। नेक्स्ट ग्रामर की क्लास क्या होगी? नेक्स्ट ग्रामर की क्लास अगले वीक होगी, पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको। क्या पढ़ाएंगे मैम? अब यार अभी तो कुछ भी नहीं पता यार, अगले संडे को सोचेंगे, मंडे को क्या पढ़ाना, इतना लंबा कौन सोचे। अभी तो वेनसडे को मेरा नया स्पोकन इंग्लिश बैच है, तो वेनसडे को क्लास नहीं हो पाएगी, वेनसडे को स्पोकन इंग्लिश की क्लास रहेगी। स्पोकन इंग्लिश का नया बैच शुरू है भाई, जिसने भी नया बैच अभी लिया है स्पोकन इंग्लिश का, तो उनकी जो फर्स्ट क्लास है वो परसों से है, ठीक है, परसों 1 सितंबर। ओके चलो चलें फिर, कोई और डाउट? नो डाउट, ओके बाय बाय गुड नाइट। अच्छा लग रहा है, मत जाओ, हाँ यहीं बैठ जाएं हम।